हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था डायरेक्टिंग चैप्टर, बट डायरेक्टिंग चैप्टर के कुछ पार्ट्स जो मिस हो गए थे सम टेक्निकल इशू के वजह से, हमारा डायरेक्टिंग का डेफिनेशन उसमें मिस हो गया था एंड इनके फीचर, इसीलिए हमने डायरेक्टिंग का यूनिट 7 का पार्ट 2 बनाया। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्टिंग का डेफिनेशन एंड फीचर्स आते हैं। चलिए, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्ट करना। डायरेक्ट मतलब गाइड करना, मोटिवेट करना, सुपरविजन करना। एंड डायरेक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैनेजमेंट में। हमने पढ़ा है ना कि मैनेजमेंट पे 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिनमें से हमने प्लानिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग देख लिया, स्टाफिंग देख लिया। डायरेक्टिंग एक ऐसा मैनेजरियल स्टेप है जहाँ पे जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपने मिडिल लेवल या लोअर लेवल को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि हाँ आपको काम ऐसे करना है, सही से नहीं हुआ तो उनको सुपरविजन करना, मोटिवेट करना प्रॉपर टाइम पे, ताकि वो अपने गोल को अचीव करने में उनका हेल्पफुल हो, यानी अपने टारगेट को अचीव कर ले, इसलिए हम डायरेक्टिंग करते हैं। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। डायरेक्टिंग कहता है मैनेजमेंट में कि डायरेक्टिंग एन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे ये डील्स करता है किसमें, डायरेक्टली विद इन्फ्लुएंसिंग। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, गाइडिंग गाइड करता है, सुपरवाइजिंग उनको सुपरवाइज करता है सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड मोटिवेटिंग स्टाफ, और मोटिवेट करता है स्टाफ को जब उन्हें लगता है कि इनकरेज करने का टाइम है तो अपने स्टाफ को वो इनकरेज भी करता है, मोटिवेट भी करता है फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किस लिए करता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को, अपने टारगेट को अचीव कर सके, यानी वो अचीव कर ले अपने गोल को, टारगेट को। इसलिए डायरेक्टिंग क्या करता है, मोटिवेट करता है, गाइड करता है प्रॉपर, एंड उनको इनकरेज करता है, उनके ऊपर से उनको सुपरवाइज करता है। इससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ओके, एंड ऑर्गेनाइजिंग को बोला जाता है कि मैनेजमेंट का ब्लड होता है। ऑर्गेनाइजिंग इज द ब्लड ऑफ द मैनेजमेंट। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग कोई भी मैनेजमेंट में या फिर बिजनेस में हम अपने गोल को इजिली अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे इसका डेफिनेशन है वैसे ही हम इसके फीचर को देखते हैं। फीचर क्या कहते हैं, फीचर का मतलब होता है कैरेक्टर स्केच, जिससे डेफिनेशन से ही इनका फीचर निकल के आता है। तो सबसे पहला फीचर हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्टिंग होता है, जैसे हम सारे फीचर्स पढ़े हैं ना वैसे ही डायरेक्टिंग भी है। डायरेक्टिंग इज इनिशिएट एक्शन। अब इनिशिएट एक्शन का क्या मतलब है, इनिशिएट एक्शन का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम एक्शन कर लेते हैं, डायरेक्ट हम काम को पता चल जाता है कि हाँ ये काम है, हमने एक्शन ले लिया। जब आप डायरेक्ट करोगे तभी तो वो एक्शन ले पाएगा। तो ये इनिशिएट करता है, हेल्प करता है एक्शन को लेने में, यानी कहीं ना कहीं आप इसे इनकरेज हो रहे हो, हेल्प कर रहे हो। और डायरेक्टिंग टेक प्लेस, सेकेंड हम लिख सकते हैं डायरेक्टिंग टेक प्लेस ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब है कि डायरेक्टिंग कहाँ कहाँ रहता है, हमारे तीनों ही लेवल पे होता है। तीन लेवल है ना, क्या क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो डायरेक्टिंग ईच प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग हम तीनों ही लेवल पे करते हैं, टॉप पे भी करते हैं, मिडिल में भी करते हैं, बॉटम पे भी करते हैं। तो डायरेक्टिंग कहाँ कहाँ होता है, हमारे तीनों ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे डायरेक्टिंग की हेल्प होती है, यानी तीनों लेवल पे हम डायरेक्टिंग करते हैं। थर्ड जो आपका कॉमन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने डायरेक्टिंग किया बंद, अब डायरेक्टिंग नहीं होगा। हमें डायरेक्टिंग बार बार करना होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो डायरेक्टिंग को हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फोर्थ हम बोल सकते हैं कि गोल ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है जो भी हम कर रहे हैं मैनेजमेंट में वो गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो डायरेक्टिंग करने से मतलब ये होती है कि हम गोल ओरिएंटेड हैं, गोल को अचीव कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है गोल को अचीव करने में। तो डायरेक्टिंग क्या हो गया आपका, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हो गया। फिर बोलोगे डायरेक्टिंग क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी फ्लो टॉप टू बॉटम। अब डायरेक्टिंग का फ्लो कैसा होता है, टॉप से बॉटम पे, टॉप लेवल से लोअर लेवल पे। तो डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम पे फ्लो करता है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, डायरेक्टिंग का डेफिनेशन, एंड ये हो गया फीचर। इसको नोट करते हैं, देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच गया था वो है लीडरशिप। चलिए देखते हैं क्या होता है लीडरशिप। अब डायरेक्टिंग में लीडरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड लीडरशिप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी मैनेजमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में।
अब लीडरशिप क्या होता है? जैसे कॉमन लीडर तो सभी जानते हैं, लीडर का मतलब होता है आपके घर में भी कोई लीडर होता है, जैसे आपके पेरेंट्स जो आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम पुश करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, एज अ लीडर वो आपको ट्रीट करते हैं, आपको बार बार इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक लीडरशिप का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप गोल को अचीव करने में। दैट मीन्स कि हमारा कोई गोल है तो प्रॉपर हमको अगर कोई लीड करे, बार बार हमें कोई लीडरशिप में बताए, इन्फ्लुएंस करे, पुशअप करे, जब लग रहा है कि मोटिवेट कर रहा है तो मोटिवेट करे, यानी हम उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि हाँ इनको देख के हमें लग रहा है कि हाँ हम भी ये काम कर सकते हैं। तो लीडरशिप क्या होता है? मैनेजमेंट में कहता है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू शेप द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स। ये क्या करता है? इनके पास इतनी एबिलिटी होती है एक लीडरशिप में, एक लीडर में, कि वो आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर्स को अदर्स के प्रति, वेट एवर इज फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन, चाहे वो फॉर्मल सिचुएशन हो चाहे वो इनफॉर्मल सिचुएशन हो, वो आपके बिहेवियर को, वो आपके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं एक लीडर। तो एक गुड लीडर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजमेंट में ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड इसका फीचर है। फीचर क्या कहता है? इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर का मतलब होता है ये आपको इन्फ्लुएंस करता है, पुशअप करता है, गाइड करता है प्रॉपर, आप उसको देख के इंस्पायर होते हो। तो ये इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, इनका जो लीडरशिप होता है, इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको बार बार गाइड करते हैं, आप उनको देख के मोटिवेट हो जाते हो और फिर अपने काम में लग जाते हो, आप काम को बेहतर तरीके से करते हो, अपने गोल को अचीव कर लेते हो। सेकेंड कह रहा है अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब क्या है? हमारा कॉमन गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में तो सबका एक कॉमन गोल होता है ना कि हाँ 10 लाख का टर्नओवर करना है, वो हमारा कॉमन गोल है। तो उस कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होता है लीडरशिप, यानी अचीव करता है हमारे कॉमन गोल को अचीव करने में, बार बार वो पुशअप करेगा तो उससे आप क्या करेंगे, कॉमन गोल को अचीव कर लेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, लीडरशिप का फीचर हो गया। थर्ड कह रहा है सिक्योरिंग विलिंग कॉपरेशन। विलिंग का मतलब होता है अपनी इच्छा से, ये अपनी इच्छा से आप कितना कॉपरेट होके काम कर रहे हो, ये इस चीज़ को बताता है। यानी लीडरशिप क्या है, ये सिक्योर कर देता है आपके विलिंग कॉपरेशन को, यानी अपनी इच्छा से आप कॉपरेट होके काम कर रहे हो। इंट्रैक्टिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट, अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो एक लीडरशिप, गुड लीडरशिप का भी क्वालिटी क्या होना चाहिए कि वो इंटरेक्ट कर सके, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो, कम्युनिकेट इतना अच्छा कर सके कि आप उसके बात से सुन के मोटिवेट हो जाओ, इन्फ्लुएंस हो जाओ। तो यहाँ पे इंटरेक्टिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, लीडरशिप में। लास्ट वन कह रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो कॉमन है, हर जगह होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। लीडरशिप भी क्या होता है, बार बार होता है, ऐसा नहीं कि एक बार लीड किया उसमें रुक गया, ये बार बार होते जाता है। तो ये है आपका लीडरशिप का डेफिनेशन छोटा सा, और ये आपका फीचर, इसको नोट करें, दें चलते हैं नेक्स्ट लीडरशिप के टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है लीडरशिप स्टाइल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लीडरशिप में। लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? स्टाइल का मतलब होता है कि कैसे कैसे लीडरशिप होते हैं, यानी एक लीडर कैसे कैसे लीड कर रहा है, उसका क्या क्या स्टाइल है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में होता है। बेसिकली ये तीन तरीके से होता है लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक और ऑथोरेटिव लीडर। ऑथोरेटिव लीडर और ऑटोक्रेटिक, इसका दो नाम है, या तो हम ऑटोक्रेटिक बोलें या फिर ऑथोरेटिक लीडर बोलें। अब ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखिए ऑटोक्रेटिव लीडरशिप का मतलब ये होता है जैसे जो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब सपोज मैं आपकी लीडर हूँ तो मैं ही सिर्फ आपको ऑथराइज्ड दे रही हूँ, मेरे पास है सिर्फ पावर है, मेरे पास है सिर्फ अथॉरिटी है कि मैं आपको बोलूँगी कि हाँ ये काम ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये करना ही करना है, हाँ ये मैं सिर्फ अपना ओपिनियन मैं आपको दूंगी। यानी ये वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ हम आपसे बोल रहे हैं, आपकी हम नहीं सुन रहे। ऐसा नहीं है कि हम आपके भी ओपिनियन ले रहे हैं। कोई एम्प्लॉयज़ बोल दिया कि मैम ऐसे भी हम कर सकते हैं तो मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ, मैं सिर्फ एक वन वे तरीके से आपको डायरेक्ट कर रही हूँ, आपको लीड कर रही हूँ कि नहीं ऐसे ही काम करना है, यही काम करना है, इतने बजे करना है। तो इसी को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब सिर्फ अथॉरिटी वन के हाथ में होता है, सिर्फ डायरेक्टर के हाथ में अथॉरिटी होता है। इसलिए इसका दूसरा नाम ये भी है कि इसको हम डायरेक्टर भी बोलते हैं, या फिर इसको हम हार्ड नोज स्टाइल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, डायरेक्टर और हार्ड नोज स्टाइल। इसका सेकंड नाम या तुम डायरेक्टर बोलें या फिर हार्ड नोज स्टाइल, किसको बोला जाता है? ऑटोक्रेटिक या ऑथोरेटिव लीडरशिप को बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टाइल हमारा हो गया लीडरशिप का ऑटोक्रेटिक,
ये डिसीजन मेकिंग पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब यहाँ जो पावर होता है डिसीजन लेने का वो सेंट्रलाइज होता है, वो किसी एक के हाथ में होता है, सिर्फ आपके बॉस में हाथ में होगा, वही करेगा कि आपको ये काम करना है, वो सिर्फ आपको लीड करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन हो जाता है, वो ये सोचते हैं कि हमसे तो बॉस कुछ पूछते ही नहीं है, सिर्फ एक वन वे तरीके से क्या करते हैं हम, मेरे ऊपर काम देते जाते हैं, हमको ऑथराइज मतलब हमको काम सौंपते जाते हैं। तो एक तरीके से डिसएडवांटेज किसका है कि एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन होता है, लेकिन एडवांटेज क्या है इसमें ऑटोक्रेटिक में कि यहाँ पे हम क्विक डिसीजन लेते हैं। अब हम एम्प्लॉयज़ का सुन ही रहे हैं तो मेरे व्यू पॉइंट से तो मुझे पता है कि ये डिसीजन लेना है, मैं तुरंत तुरंत डिसीजन लूँगी, मैं तुरंत आपको बताऊँगी हाँ ये काम ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन होता है, तो फर्स्ट हो गया ऑटोक्रेटिक, यानी सिर्फ ये पहले होता था, अब नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, अब तो सबकी सुनी जाती है। पहले क्या था कि सिर्फ एक आदमी था, एक बॉस था, वो ये आपको बार 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 टॉर्चर कर रहा है, लाइक अ टॉर्चर, कि आपको बता रहा है कि हाँ यही काम करना है, आपका मैं नहीं सुन रही हूँ। दैट्स कॉल्ड एज ऑटोक्रेटिक और वी कॉल डायरेक्टर एंड हार्ड नोज स्टाइल। इसका अगर हम देखते हैं कैसे होता है, तो मान लीजिए ये आपका बॉस है और ये सिर्फ वन वे तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, ये आपका बॉस हो गया, ये उसके सुपीरियर है, ए है, डायरेक्ट वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है अपने सुपीरियर से, तो ये आपका हो जाएगा ऑटोक्रेटिक। इससे जस्ट अपोजिट पहले ये देख लेते हैं डेमोक्रेटिक क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जहाँ हम एकदम स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेटिक हैं, हम आपसे भी बात कर रहे हैं, आपकी भी हम सुन रहे हैं, यानी जो बॉस है वो अपने सबॉर्डिनेट से अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा है एंड सबॉर्डिनेट के ओपिनियन को भी सुन रहा है और फिर डिसीजन ले रहे हैं, यानी हम सब मिलके कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, तो आपका डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ये एक्टिव पार्टिसिपेंट ग्रुप सेंटर्ड होता है, यानी एक ग्रुप में काम होता है, ना कि सिर्फ एक बॉस है वो आपको बार 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 बता रहा है कि ये काम करना है, ये ग्रुप एफर्ट में काम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, यहाँ पे सारे ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपका कुछ कैसे होगा, जैसे ये आपका है और ये आपके सारे सबॉर्डिनेट हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, ये वन वे कम्युनिकेशन था बट ये क्या है टू वे कम्युनिकेशन है, ये आपका बॉस है, ये सबसे कम्युनिकेट कर रहा है, बी से भी कर रहा है, सी से भी कर रहा है, डी से भी कर रहा है, ई से भी कर रहा है, और इनके बात भी सुन रहा है, इधर से भी बात हो रही है, इधर से भी बात, तो ये क्या हो जाएगा डेमोक्रेटिक हो जाएगा, यानी एक्टिव पार्टिसिपेंट है, सभी लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, सबसे मिलकर बात हो रही है, तो वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और आज के टाइम पे सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं। थर्ड वन है आपका लेजर्स फेयर। लेजर्स फेयर का मतलब, जिसको हम फ्री रेन भी बोलते हैं, लेजर्स फेयर का मतलब होता है कि जहाँ पे बॉस का कोई रोल ही नहीं है, निगलेट एकदम मतलब जीरो निल के बराबर है, जहाँ पे बॉस को पता है कि हाँ जो उसके सुपीरियर हैं वो वेल ट्रेंड हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो बॉस उतना बात ही नहीं कर रहा है, एकदम छोड़ दिया है पूरे सुपीरियर पे अपने, मतलब सारे ही सबॉर्डिनेट पे छोड़ दिया है अपने सबॉर्डिनेट पे, कि वो काम खुद से कर लेंगे, डिसीजन खुद से ले लेंगे और अचीव भी कर लेंगे अपने गोल को, उसको हम लेजर्स फेयर या फिर फ्री रेन भी बोलते हैं, यानी एकदम फ्री है, कोई अथॉरिटी नहीं है किसी के एक के पास, या फिर कोई पावर, एक ऐसा बॉस नहीं है जो बार 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 उनको टॉर्चर कर रहा है, उनसे बात कर रहा है, बॉस एक है वो छोड़ दिया है, फ्री रेन कर दिया है, सबको फ्रीडम दे दिया है कि आप अपने में डिसीजन लीजिए, अपने में बात करिए और अपने गोल को अचीव करिए। तो ये हो जाएगा आपका लेजर्स फेयर और फ्री रेन, जिसको बोला जाता है फ्री टू डिसाइड देयर ओन प्रोसेस एंड मेथड, यानी यहाँ पे बोल दिया बॉस कि आप अपने से प्रोसेस बनाइए, अपने से मेथड लगाइए, जो आपका मेथड है, जो आपका प्रोसेस है, आप ऑलरेडी ट्रेंड हो तो आप अपने से मैनेज करो, अपने से डिसीजन लो। तो ये हो जाता है आपका लेजर्स फेयर। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका बॉस है और ये इसके सबॉर्डिनेट हैं, अब ये सब आपस में ही बात कर रहे हैं, देखिए ये बॉस है ना, ये आपका बॉस है, अब बॉस से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बॉस यहाँ बैठा हुआ है और ये सारे इसके सबॉर्डिनेट हैं, बी ई से बात कर रहा है, डी सी से बात कर रहा है, ये भी आपस में बात कर रहे हैं, तो ये होता है लेजर्स फेयर, जहाँ पे एक बॉस है जिसके हाथ में वो पावर आपको नहीं दे रहा है, टॉर्चर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, और जितने इंप्लॉयज़ हैं वो आपस में ही डिसीजन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या था, एक बॉस था, ये वन वे कम्युनिकेशन था, सिर्फ वही बोल रहा है, जो बोल दिया पत्थर की लकीर, जो बोल दिया वो करना ही करना है, तो ये वन वे था।
डेमोक्रेटिक का था जहाँ पे बॉस का भी पार्टिसिपेंट है और हमारे एम्प्लॉयज का भी पार्टिसिपेंट है, मतलब दोनों से बात कर रहा है, सबसे बात कर एम्प्लॉयज से, उसके बाद डिसीजन ले रहा है। और यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा है सर, एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। तो ये है आपका लीडरशिप स्टाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए भी। सीयूटी में भी इसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी भी आगे मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। इसको नोट कर लें और देख लें, कहीं डाउट आता है तो फिर कॉमेंट करें। सो एट लास्ट हमारा ये यूनिट खत्म होता है यहीं पे। डायरेक्टिंग हमने देख लिया, पार्ट वन हमने आपको दे दिया, ये पार्ट सेकंड था। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट उसमें बाकी रह गए थे सम टेक्निकल इशू की वजह से, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो कहीं डाउट आता है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो अब तक नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो को लेक्चर देख लें, देन आप सेकेंड को विजिट करें। एंड कहीं डाउट आता है तो आप कॉमेंट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड लाइक करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।